प्लीज सब्सक्राइब करें टीआरपी न्यूज चैनल को और दबाएं इस घंटी को। रुक जाओ, ये घट्टा लिया पहले, घट्टा रुक जाओ, ये अरे घट्टा लिया यहाँ पहले, रुक जाओ भैया एक बार, रुके रहो ये पे घट्टा, सबको रुके रहो। सर जी आप फोटो तो खींच रहे हो हमारे। ये देखिए बावरिया गैंग है, और बावरिया गैंग का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये गैंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं। ये जो गैंग पकड़ा गया है, ये गैंग मेला या जहां पर काफ़ी लंबे समय तक इस टाइप से काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, वहां पर ये लोग जाकर के जेब काटने का, चेन छीनने का और जहर खुरानी करके चोरी करने का, लूट करने का, इस तरह के काम में ये ज़्यादा आगे रहते हैं। इनमें जो गैंग लीडर राजू है वो रात्रि के समय चोरी और डकैती की वारदातों में भी शामिल रहता है। ये इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय गैंग है। ये हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, दिल्ली में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश और इधर ये बाकी इन सब प्रदेशों में इनकी एक्टिविटी रहती है। और इनका आपराधिक इतिहास बुलंदशहर जनपद के आहार थाने में भी अभी मिला है। इनका मथुरा और राजस्थान वगैरह से भी आपराधिक इतिहास इनका खंगाला जा रहा है। तो ये गैंग की सूचना ये थी कि ये लोग कुंभ मेला में ये लोग जा रहे हैं, और कुंभ मेला में जाकर के वहाँ पर जो भी वहाँ ये मेला में वो लोग आते हैं कल्पवास करने के लिए, उन कल्पवासियों को
जाकर के उनके बीच में, भीड़ के बीच में इनकी औरतें और ये अपनी पूरे उसके साथ जाकर के चेन छीनना, उनको ड्रग्स और वो दे करके जहर फरानी दे करके उनको लूटना, चोरी करना और पर्स छीनना, ये सब वारदातें जाकर के करते और महीने भर वहीं पर रहते और उसके बाद से फिर ये ले करके आते हैं। इनके साथ गैंग में महिलाएं भी रहती हैं, महिलाओं के नाम पर इनकी जो गाड़ियाँ हैं, जो दो गाड़ी बरामद हुई हैं, 11 लोग पकड़े गए हैं गैंग के, कुछ इनके गैंग का पार्ट कुछ इनके गैंग का जो पार्ट गैंग है वो अभी सूचना है कि इस गैंग में 30-40 लोग थे, तो कुछ लोग ट्रेन से चले गए हैं, तो हम लोग उसको भी ट्रैक कर रहे हैं, वो संभवतः कुंभ मेला पहुँच गए होंगे और उन पर भी कार्रवाई करने के लिए एक टीम लगी हुई है, साथ में इलाहाबाद पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है और एसटीएफ से भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। अच्छा सर, इनका कोई पहले से रिकॉर्ड है कि किसी मेला में और जाकर के बताया नहीं, आहार कम कर पाती है, मौके पर लोग भी छोड़ देते हैं और सोचते हैं कोई और किया होगा, लेकिन इनकी महिलाएं उतनी ही शातिर हैं, उतनी ही प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं जितने की पुरुष। ये माना कि बवरिया ने पुलिस की सक्रियता इधर बीच में काफी हो गई, तो उन्होंने अपना ट्रेन बदल दिया वो महिलाओं के द्वारा चेन नहीं। देखिए, इसको मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि इनके बावरियों का अपराध जो है, ये बावरिया जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं ये केवल अपराध करते हैं और हर तरह का अपराध करते हैं। इनको यहाँ तक कि अगर जैसे अंधेरी रात में अगर ये जाड़े में ये दूर जाकर के चोरी और डकैती की वारदात करते हैं तो उजाले रात में वहीं पर आसपास इवन खेत का चारा भी चोरी कर लेंगे, जानवर भी, पशु भी चोरी कर लेंगे, बकरा भी चोरी कर लेंगे, ये इस तरह का एक है। दूसरे ये है कि ट्रैक्टर से भी जाते हैं, टाटा 4x7 से भी जाते हैं और लग्जरी व्हीकल से भी जाते हैं दूर दूर तक। तीसरे ये है कि अब आजकल बैंक रॉबरी, जैसे ये आप पे ATM लूट की घटना अभी ये बावरिया गैंग ने के द्वारा की गई थी, जो गोंडा में 50 लाख की बैंक कैश वैन की लूट की गई और जो प्रतापगढ़ में इसी लूट के कैश वैन के लूट के प्रयास में एक उसकी सिपाही की हत्या कर दी गई थी, तो वो दोनों घटनाएं भी बावरिया गैंग पे अभी वर्कआउट हुई हैं और उस गैंग के लोग भी हम लोग के भी टच में थे और जो उसने कानपुर नगर पुलिस का भी योगदान रहा है। उसके अलावा ये जो आपको हमने बताया कि मेला ठेलों में जेब कतरी और इस तरह की वारदात भी करते हैं।